अगणित व्यस्त धर्म साथियों की एक और नई वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। अपने पास है टाटा सफारी और इसके एडवेंचर मॉडल है XZA+ ऑप्शनल के साथ में, और कुछ इस तरीके से इसका फ्रंट प्रोफाइल दिखाता है। ऊपर की तरफ आएंगे तो आपको ये इसका DRL दिखेगी, इसी के अंदर आपको ये इंडिकेटर का काम करती है। नीचे तरफ आते हैं तो आपको हेडलाइट दिख जाती है, जिसमें आपको प्रोजेक्टर के अंदर लो बीम दिख जाएगी, और आपको ये हेलोजन है ये आपको हाई बीम के साथ मिल जाते हैं, जिसमें आपको रिफ्लेक्टर का ऑप्शन मिल जाता है, और यहाँ पे आपको इसमें नीचे तरफ फॉग लैंप मिल जाते हैं, और कुछ इस तरीके से आपका जो फ्रंट प्रोफाइल मिल जाता है। सेंटर में आएंगे तो आपको ग्रिल मिल जाएगी, वो भी आपको ब्लैक पेन फिनिश के साथ में कंपनी का लोगो मिल जाएगा, और उसके अंदर भी जो टेक्सचर है वो आपको ब्लैक पेन फिनिश में मिल जाता है। नीचे आपको सफारी की बैजिंग विथ नंबर प्लेट लगाने के लिए स्पेस है, वो जरूर मिलने वाला है। नीचे कैमरा एडवांस का एक सेंसर आपको यहाँ मिल जाता है, और यहाँ पे आपको 360 डिग्री कैमरा का जो फ्रंट कैमरा है वो आपको फ्रंट के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। ऊपर तरफ आएंगे तो आपको सफारी की बैजिंग है, ये कंपनी फिटेड आती है, आपको आफ्टर मार्केट वगैरह लगाने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं आपको एडास का जो सेंसर है या कैमरा है वो आपको एक ऊपर की तरफ आ जाता है। अगर वाइपर की बात करें तो आपको दो वाइपर मिल जाते हैं, वहीं आपको दोनों वाइपर है वो आपको एरोट्विन के साथ में दोनों वाइपर में देखने को मिल जाते हैं, जो इस गाड़ी की काफ़ी अच्छी खासियत है। और कुछ इस तरीके से इस गाड़ी का फ्रंट प्रोफाइल है वो अपने को इस गाड़ी के अंदर देखने के लिए मिल जाता है। अब बात करें इसके डायमेंशन की, तो ये गाड़ी अपने को 4661 mm के अंदर ये आपको इसकी लंबाई मिल जाती है, उसी हिसाब से चौड़ाई 1894 mm की इसको अपने को चौड़ाई मिल जाती है, जो इस सेगमेंट के हिसाब से सबसे ज़्यादा चौड़ी गाड़ी ये बनती है। और इसके कारण अंदर अपने को स्पेस है वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेस है मिल जाता है। अब टाटा है तो यार ये चीज़ें तो अपने को मिलता ही है। वहीं अपन साइड में आते हैं तो आपको 18 इंच के टायर मिल जाते हैं, वो भी आपको ट्यूबलेस के साथ में, और कुछ इस तरीके से आपको बॉडी कलर के साथ में इसके अलॉय व्हील है वो देखने के लिए मिल जाते हैं। फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलेगा, उसी के साथ में रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक है वो देखने मिल जाएगा। टायर सेक्शन की बात करें तो 235/60R18 के आपको टायर है वो देखने के लिए मिल जाते हैं। और ये देखो आप टायर के ऊपर ये सेफ्टी के लिए पूरा कवर लगा रखा है कि अगर बरसात वगैरह में पानी वगैरह है वो भी आपके इंजन तक नहीं पहुंच पाता है। अब आधे पर गाड़ी के हाथ में जैसे गाड़ी के साइड में आएंगे तो आपको बॉडी कलर में ब्लैक पियानो फिनिश के साथ में आपको साइड व्यू मिरर मिल जाते हैं, इसी के अंदर आपको एक कैमरा है वो यहाँ पे मिल जाता है, और यहाँ पे आपको इंडिकेटर मिल जाता है, और बॉडी कलर आपको इसका हैंडल मिलेगा, उसके अंदर आपको जो सेंटर की जो लाइन है वो आपको ब्लैक पियानो फिनिश विथ सेंसर के साथ भी मिल जाता है। और नीचे की तरफ आएंगे तो ब्लैक ये पट्टी है वो नीचे लगी हुई मिल जाती है, और यहाँ पे आपको अगर इसकी हाइट की बात करें तो इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो अपने को मिलने वाला है 205 mm का, इसके अंदर ग्राउंड क्लियरेंस है वही मिलने वाला है। और उसी के साथ में अगर हम बात करें इसके व्हील बेस की तो 1741 mm का व्हील बेस है वो अपने को इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके से गाड़ी दिखाई देती है। अगर बात करें ए पिलर, बी पिलर और सी पिलर, ये सभी पिलर आपको ब्लैक पियानो फिनिश के साथ में मिल जाता है। और ऊपर की तरफ आते हैं तो रूफ रेल वो आपको ब्लैक के साथ में वहीं आपको ब्लैक पेनो फिनिश के साथ मिल जाता है, और यहाँ पे आपको सफारी की पैजिंग मिल जाती है, और यहाँ पे आपको क्वार्टर ग्लास है वो भी आपको एक अच्छी साइज में जो क्वार्टर ग्लास है वो अपने को मिल जाता है। पीछे तरफ के पीछे के हैंडल में भी आपको ब्लैक पेनो फिनिश वर्क विद बॉडी कलर मिल जाएगा, यहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक मिल ही जाता है। और ये देखो पीछे का जो डिजाइन है, पीछे का टायर के ऊपर का जो हिस्सा है वो भी आपको पूरी तरीके से ये कवर कर दिया गया है, जिसकी वजह से बारिश वगैरह में आपको जंग लगने की संभावना है वो कम से कम हो जाती है। अब आते जैसे गाड़ी के पीछे तो आपको यह पूरी तरीके से टेल लाइट मिल जाती है, और वो भी LED सेटअप के साथ मिलते हैं, यहाँ पे आपको बल्ब मिल जाता है पर आपको वो इंडिकेटर मिल जाता है। जैसे गाड़ी के साथ पी जाएंगे तो आपको ऊपर की तरफ एंटीना मिल जाता है, वो भी शार्क फिन एंटीना है वो अपने को इसके अंदर मिल जाता है। यहाँ पे हाई स्टॉप लैंप मिल जाएगा, और वहीं आपको रूफ रेल है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाती है आगे की तरफ, और पीछे की तरफ स्पॉइलर मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको डिफॉगर विथ वाइपर के साथ भी ऑप्शन है। और ये देखो आप अब शेयर वगैरह मतलब टाटा सभी अपनी गाड़ियों में ये कुछ ना कुछ लोगों इसमें देती है, जैसे आपको काजीरंगा में है तो उसमें काजीरंगा के साथ में आपको जो रेनो टाइप का डिजाइन है वो आपको इसके अंदर मिल जाता है, तो कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे जरूर मिलने वाला है। वहीं आपको बात करें टेल लाइट के साथ में आपको कंपनी की बैजिंग मिल जाती है, यहाँ पे आपको पीछे के ये कैमरा मिल जाएगा, और ये देखो आप ब्लैक पेन फिनिश के साथ ये है, ये चीज़ें कंपनी का एक अलग स्टैंडर्ड है वो जरूर फॉलो करता है, और उसी हिसाब से नंबर प्लेट के लिए प्लेसमेंट है, और यहाँ पे आपको सफारी की बैजिंग है वो मिल जाती है। पीछे की तरफ आते हैं तो आपको रिवर्स के सेंसर मिल जाते हैं, और वहीं आपको पीछे का डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा प्यारा डिज़ाइन देखने के लिए मिल जाते हैं। नीचे उतर आते हैं तो स्पेयर व्हील आपको नीचे की तरफ इसमें मिलने वाला है, तो कुछ इस तरीके से आपको स्पेयर व्हील है वो जरूर मिल जाता है। पीछे अगर बूट स्पेस की बात करें तो बूट स्पेस आपको इसके अंदर मान लो 73 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, तो वो ना के बराबर बूट स्पेस है वो आपको इसके अंदर जरूर मिल जाता है। अगर आप पीछे की दोनों सीटें फोल्ड करते हैं तो आपको एक अच्छा खासा बूट स्पेस है वो आपको इसके अंदर मिल जाता है, तो वह भी आपको जरूर बूट खोल के दिखाएंगे। तो कुछ इस तरीके से आपको इसका बूट खोलने के लिए मिल जाता है।
यहाँ पे आपको मात्र इतना सा स्पेस मिल जाता है। अगर ये दोनों सीटें फोल्ड करते हैं तो आपको 500 कुछ लीटर का बूट स्पेस वो जरूर मिल जाता है। अगर आप इन सीटों को वापस ऊपर की तरफ करते हैं तो आपको ये इस पर बूट स्पेस है, ये मान लें ओनली 73 लीटर का बूट स्पेस है वो मिल जाएगा। ऊपर की तरफ आपको ए सी वेंट मिल जाएंगे, कप होल्डर यहाँ भी मिल जाएगा और उस तरफ भी आपको कप होल्डर मिल जाएंगे। वहीं आपको दो USB चार्जिंग पॉइंट है वो मिल जाते हैं और सामान रखने के लिए स्पेस है वो आपको यहाँ मिल जाएगा। ऊपर की तरफ ए सी वेंट मिल जाते हैं और यहाँ पे आपको आपको एक अलग से LED लाइट है जो रूफ लाइट है वो आपको यहाँ पे ज़रूर मिलने वाला है। तो कुछ इस तरीके से आपको इसका पीछे का स्पेस है वो ज़रूर मिल जाता है। जैसे पीछे आएंगे तो कुछ इस तरीके से आपको पीछे का डिजाइन ओवरऑल डिजाइन है वो जरूर देखने मिल जाता है। अब चलते पर गाड़ी के साइड में, तो जैसे गाड़ी के साइड में आएंगे आपको साइड का डिजाइन है वो भी आपको पूरा डिजाइन है वो आपको सेम देखने मिल जाता है। यहाँ पे आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है जिसमें आपको 50 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो आपको मिल जाती है। तो आराम से आप यहाँ पे फ्यूल है वो आराम से डाल सकते हैं। चलते पर आप गाड़ी के अंदर, तो गाड़ी के अंदर जाने से पहले तो यहाँ पे आपको रिवर्स सेंसर मिल जाता है, रिवर्स सेंसर और वहीं आपको चाबी, अगर रिमोट काम नहीं कर रहा तो आप नीचे भी चाबी लगा के इसको डोर को खोल सकते हैं। तो जैसे अपने इसका डोर खोलेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको इसका डोर का पैनल मिल जाता है, सॉफ्ट टच मिल जाता है, ब्लैक पियानो फिनिश और चार पावर विंडो के स्विच मिल जाते हैं। यहाँ पे भी सॉफ्ट टच मिल जाता है और यहाँ पे आप देखो बड़ी बड़ी बोतल डालने के लिए स्पेस मिल जाता है और एक आपको यहाँ पे स्पीकर है वो मिल जाता है, JBL के स्पीकर मिल जाते हैं। गाड़ी में टोटल 9 स्पीकर मिलते हैं जिसमें आपको 4 स्पीकर, 4 ट्विटर और एक आपको सबवूफर है वो आपको जरूर मिल जाता है, वो भी आपको पीछे बूट के पास सबवूफर है वो आपको जरूर मिल जाता है। सीटों की बात करें ना, सीटें आपको काफ़ी प्यारी सीटें देखने मिल जाती है सॉफ्ट टच के साथ में, दोनों लेदर के साथ में आ जाते हैं। वहीं आपको AC की वेंटिलेटेड सीटें वो आपको इसके अंदर मिल जाती है और वहीं आपको मेमोरी सीट के साथ में आता है, 3 मेमोरी सेट आप इसमें कर सकते हैं और ये भी आपको इलेक्ट्रिक एडजस्ट करने का ऑप्शन है वो आपको इसके अंदर मिल जाता है। चलते हुए गाड़ी के अंदर, जैसे गाड़ी के अंदर आएंगे तो कुछ इस तरीके से आपको स्टेयरिंग मिल जाता है जिसमें आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपी का दोनों का ऑप्शन इसके अंदर आपको देखने के लिए मिल जाता है। स्टेयरिंग के सेंटर में आपको कंपनी का लोग मिल जाएगा, एयरबैग की बैजिंग है और वहीं आपको राइट में क्रूज कंट्रोल से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन वो आपको सारी यहाँ मिल जाएगी। वहीं आपको लेफ्ट में आते हैं तो इसमें म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल है वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। क्लस्टर मीटर की बात करें पूरी तरीके से डिटेल आ जाता है, पर चाबी नहीं है तो अपन यहाँ पे उसको दिखा नहीं सकते, पर पूरी तरीके से डिटेल के अंदर ये आता है। 10.25 इंच का आपको टच स्क्रीन मिल जाता है जिसमें आपको पूरा एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह वो सब वायरलेस के साथ में आ जाता है और वहीं आपको जो फोन चार्जिंग है वो भी आपको वायरलेस का ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे आपको USB चार्जिंग पॉइंट है वो जरूर मिल जाता है, AC का कंट्रोल है वो आपको पूरी तरीके से ऑटोमेटिक मिल जाते हैं और 2 AC पॉइंट यहाँ मिल जाएंगे। वहीं आपको फोक लाइट वगैरह से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाता है, सेंटर में जाड का बटन मिल जाएगा। वहीं आपको तीनों पावर मोड है वो आपको एडजस्ट करने का ऑप्शन है वो आपको यहाँ मिल जाता है। 360 डिग्री कैमरा है उसके लिए एक बटन यहाँ मिल जाएगा और यहाँ पे आपको जो हिल डिसेंट कंट्रोल है उसका बटन भी आपको सेंटर में मिल जाता है। 6 स्पीड का ऑटोमेटिक गियरबॉक्स मिलेगा। वहीं आपको हैंड ब्रेक के लिए आपको इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक मिल जाता है और ऑटो होल्ड का बटन भी यहाँ पे आपको सेंटर मिल जाता है। 3 कप होल्डर, आप 3 कप छोटे कप है वो आप आराम से यहाँ रख सकते हैं, उसी समय 2 बड़े कप है वो भी रख सकते हैं आप आराम से, काफी बड़ा स्पेस है वो आपको मिल जाता है। वहीं आपको हैंड रेस्ट की बात करें तो सॉफ्ट टच के साथ में आपको हैंड रेस्ट मिल जाता है और वहीं आपको नीचे का जो स्पेस है वो भी आपको ठीक ठाक स्पेस है वो मिल जाता है, वो भी आपको कूल्ड के साथ में मिल जाता है। वहीं आपको 12 वोल्ट का पावर चार्जिंग सॉकेट और 2 जो USB चार्जिंग पॉइंट है वो भी आपको यहाँ पे जरूर मिलने वाले हैं। डैशबोर्ड की बात करें तो डैशबोर्ड आपको सॉफ्ट टच में मिल जाता है, यहाँ पे आपको टेक्सचर है वो वुडन टाइप का टेक्सचर है वो आपको काफी अच्छा टेक्सचर मिल जाता है और यहाँ पे आपको ब्लैक पियानो फिनिश के साथ मिलता है। ग्लोव बॉक्स है, ग्लोव बॉक्स की साइज है वो आपको काफी डिसेंट साइज में आपको ग्लोव बॉक्स वो मिल जाता है। यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच है वो मिलेगा और कुछ इस तरीके से आपको जो इसका सेंटर का कंसोल है वो आपको मिल जाता है। ऊपर की तरफ आते हैं तो 2 माइक का वो आप मिल जाएगा और यहाँ पे आपको रूफ लाइट है वो मिल जाती है और ये सनवाइजर कुछ इस तरीके से मिल जाते हैं। दोनों लेफ्ट साइड के सनवाइजर में आपको वैनिटी मिल जाता है पर लाइट वगैरह वो आपको इसके साथ में नहीं रखती। सेंटर में आपको देखते हो काफ़ी बड़ी सनरूफ है वो इस गाड़ी के अंदर जरूर मिलने वाली है, तो वो आपको इसमें सनरूफ वगैरह में आपको कोई कंप्लेंट नहीं होने वाली। और दोनों आगे की सीट है वो आपको AC वेंट के साथ मिल जाती है, दोनों में आपको AC वेंट मिल जाते हैं और उसी के साथ में आपको दोनों सीट है वो आपको इलेक्ट्रिक एडजस्ट करने का ऑप्शन है वो जरूर इसके अंदर मिल जाता है। तो चलते पर अब पीछे की तरफ, तो पीछे देखते हैं कैसे क्या है। जैसे गाड़ी में पीछे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे भी आपको सॉफ्ट टच मिल जाएगा और यहाँ पे सॉफ्ट टच और उसी के साथ में ब्लैक पियानो फिनिश मिल जाएगा और यहाँ पे फोन रखने के लिए स्पेस है वो आपको एक्स्ट्रा मिलने वाला है। नीचे की तरफ आपको एक बोतल होल्ड मिल जाएगा और छोटे मोटे सामान रखने के लिए स्पेस वो जरूर इसमें यहाँ पे मिल जाता है। स्पीकर भी मिल जाएगा और उसी के साथ पीछे की सीट पर आपको जो हैंड रेस्ट है वो जरूर मिल जाता है। सभी सीटों में गाड़ी पर आपको हैंड रेस्ट जरूर मिल जाएगा और वहीं आपको
पीछे की दोनों सीटों पे भी हेडरेस्ट है वो आपको जरूर मिलने वाला है। तो कुछ इस तरीके से आपको पीछे की सीट मिल जाती है। एसी वेंट की बात करें तो एसी वेंट है वो आपको पिलर के अंदर मिल जाएगा। फोन रखने के लिए स्पेस यहाँ मिल जाएगा। दो यूएसबी चार्जिंग पॉइंट के लिए आपको ऑप्शन है वो आपको जरूर यहाँ मिल जाएगा। तो पीछे की तरफ अगर मैं रो दिखाऊँ तो पीछे की तरफ भी आपको अच्छा खासा स्पेस है वो आपको जरूर मिल जाता है। और ऊपर की तरफ आते हैं तो रूफ लाइट है वो आपको दोनों में आगे और पीछे का ऑप्शन है वो जरूर मिल जाता है। वहीं आपको बीच की सीट के लिए एक आपको रूफ लाइट वहाँ मिल जाएगी और एक रूफ लाइट है यहाँ मिल जाएगी। तो इससे आप रीडिंग लाइट है वो जरूर कर सकते हैं। गाड़ी में अगर सेफ्टी की बात करें तो 6 एयरबैग के साथ ही गाड़ी आती है जिसमें आपको और उसी के साथ में ABS EBD एयरबैग वगैरह सब कुछ जितनी सेफ्टी हो सकती है वो सब कुछ सेफ्टी इसके अंदर आती है। और वहीं आपको 5 स्टार के साथ में ये गाड़ी अवेलेबल होती है। अगर गाड़ी के पावर की बात करें तो 2000cc का इंजन है वो आपको इस गाड़ी के अंदर मिलने वाला है। उसके साथ में 170 BHP पावर 350 Nm का टॉर्क है वो आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके से आपको इस गाड़ी का ओवरऑल रिव्यू देखने के लिए मिल जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।